आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छे होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजपुर झिरका के अंदर और यहाँ पर तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा कि विधानसभा के चुनावों में क्या चरचराहट चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ पर चाय वाले भाई मौजूद है, तमाम ग्रामीण भाई बंधु मौजूद है। क्या कुछ कहता है यहाँ का माहौल, किसका होता है पलड़ा भारी? नमस्कार सर, क्या नाम है? रतन लाल जी। चाय पी रहे? इतनी चाय पीते हैं क्या? चाय बहुत पीते हैं। कितनी चाय पी जाते हैं रोज? चाय 50 पीते हैं। अच्छा, कैसा काम चलेगा 50 चाय से? 50 चाय से मेहनत करके। कहीं मामन की तो चाय नहीं पी रहे हो? नहीं नहीं। और क्या? नहीं, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, क्यों साहब, मामन की चाय पी रहे हैं ना? नहीं, अपनी चाय पीते हैं। अब ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में किसकी जीत करा रहे हैं? जीत बीजेपी की। कारण? अरे एक बात बताओ, मामन खान ने क्या करा? क्या करा? गंगा सिवाय है? गंगा सिवाय क्या करा? कौन से दंगे करा दिए ये बता दीजिए आप। मुहू हल्के में क्या हुआ? बड़कली चौक पे क्या हुआ? क्या हुआ बड़कली चौक? आप बताओ। गरीब आदमियों की रेहड़ी बैंड जो फलूट बेचते थे उनका सारा लूट लिया है, और जो ज्यादा लोग हैं उनकी तो बात ही अलग है। क्या नाम है अपना? आ जाओ। यहाँ पर देखिएगा कि हम इस वक्त फिरोजपुर झिरका के अंदर मौजूद है। यहाँ पर लोगों के क्या कहते हैं विचार? भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी को सपोर्ट देता हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर युवा वर्ग भी जुड़ चुका है, क्योंकि युवाओं की भी भूमिका यार कुछ यहाँ पर बहुत अहम मुद्दा बन जाता है। नमस्कार, क्या नाम है? इधर की तरफ आ जाइए आप। ये बात, क्या नाम है? रंजीत सैनी जी हैं आप। सैनी जी, आपके फिरोजपुर के अंदर क्या माहौल कहता है अबकी बार विधानसभा चुनाव का? विधानसभा चुनाव का ये माहौल है, अभी तो दोनों पार्टी है, बीजेपी भी कम नहीं है और कांग्रेस भी कम नहीं है, संबल का ज्यादा माहौल है। और बीजेपी की बात ऐसी है, सचिन जी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, कई जगह है उन्होंने अपने वो काउंटर जमा कर दिए हैं, लाल बल में यहाँ भी अपने वो लगा रहे हैं। सच्चाई बता रहे हैं, पटेंगे दोनों तरफ जी। अब ज्यादा बीजेपी को पटेंगे वो। आप कह रहे हो कांग्रेस को पढ़ेंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी को पढ़ेंगे, क्या बात है? अभी पक्का? सैनी जी खुल के बोले आप तो। खुल के मैं यही बोल रहा हूँ, दोनों पार्टियां कम नहीं है और इलेक्शन में कभी पता लगेगी उनको कितनी वोट किसको पड़ी है, दोनों में माहौल पक्का है। चलिएगा और जान लेते हैं, यहाँ पर काफी बंधु मौजूद है। राजेश जी, आपका राजेश जी नाम है, आपकी 18 साल उम्र होगी? 24 साल। तो आपने अब तक वोटिंग करी है? लेकिन अब की बार अपने जिले के फिरोजपुर के अंदर हरियाणा में 73 विधानसभा के चुनाव, क्या कुछ कहता है यहाँ का माहौल? राजनीति कर रहे हैं, वही काम मम्मन खान यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। विकास के नाम पे यहाँ पे बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, सबको पता है, पिछड़ा इलाका है, ठीक है। धर्म के नाम पे राजनीति पूरे देश में बीजेपी कर रही है, वही काम मेवात के अंदर मम्मन खान कर रहा है, ठीक है। और उनका ये है कि यहाँ पे धर्म की राजनीति करना और लोगों से एक तरफा वोट लेना धर्म के नाम पे, वही मम्मन खान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये लगता है कि भाई फिरोजपुर के अंदर बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है? नहीं, मेरे मानना ये कि यहाँ पे एक तरफा है मोहम्मद खान का माहौल, मोहम्मद खान का माहौल। लेकिन यार हम बात करें यहाँ पर घूमी रोड की, लगातार इसकी आवाज उठते रही है, क्या आपने कभी शिकायत करी? नहीं करी, क्या हुआ? देखो, लोगों ने बहुत मुद्दे उठाए हैं, लड़कों ने भी, निवास कारोबार वालों ने भी बहुत इसके बारे में आगे तक चंडीगढ़ तक वो लगाई है फिरोज की भाई किसी तरह से बात करने पर, यहाँ पे दमदारी नहीं है नेताओं के अंदर, ठीक है। दमदारी बस यही ग्राउंड लेवल तक है, आगे जाके उनका कोई मतलब कि आगे वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कभी
बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। सर बच्चों को ये है कि बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए भी, ठीक है। सैनी जी हम बात करें यहाँ पर इस फिरोजपुर झिरका के अंदर, अब मेन मुद्दों की बातों पे आते हैं, चलो किसी को जिता देना कोई बात नहीं, लेकिन आपके यहाँ के मेन मुद्दे क्या है जो सबसे पहले कराना चाहोगे? सबसे पहले ये है भूमि रोड है, जो सबसे पहले हमने बार बार कई विभागों में शिकायत दर्ज की है, मौखिक रूप से भी कहा है और लिखित रूप से शिकायत की है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ ना तो आज तक कोई लड़कों के लिए अच्छा कॉलेज बना है, लड़कों के लिए तो है फिर भी जो कॉलेज यहाँ पे लड़कों के लिए आज तक कोई कॉलेज नहीं बनाया, ना ही कोई क्रिकेट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कहीं पर इलाका कर रहा है, बदनाम कर रहा है। बिल्कुल सही है, लोगों को पता है कि इलाका है हरियाणा में पिछड़े हम ही है, क्योंकि नेता वो बात नहीं है, दमदारी वाली बात नहीं है, नेताओं ने कभी सोचा नहीं है, जी भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब बीजेपी का कोई विधायक बनता है तो वहाँ पर कांग्रेस नहीं, बीजेपी का यहाँ विधायक बनने का कोई सवाल नहीं है, हमने तो अपनी मतलब लाइफ में अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की एक तरफा सीटें होती है, आबादी मामलन है, इस वजह से कि भाई यहाँ पे मामलन लोगों का जो रुझान है शुरू से ही कांग्रेस की तरफ रहा है, ठीक है। नमस्कार, नमस्कार, क्या हाल है? शुभ नाम अपना? लक्ष्मण। सैनी जी, सैनी जी फिरोजपुर झिरका का क्या कहता है माहौल? माहौल की बात ऐसी है, यहाँ तो शुरू से ही बीजेपी का कमल रखना सच रहा है, ये बात आपकी है, बहुत रंगों के बावजूद आपने देखा है चैनल पर रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी का तो कैंडिडेट भी मतलब ही नहीं करवा दे, और सरकार ने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, और यहाँ तो मेवाद का आप हरा देश कितनी अच्छी है, ये सामने खूनी रोड है, ये खूनी रोड है, सरकार चाहती तो इसको बनवा सकती है, अटेंडर पास हो जाते हैं, फोर हो जाते हैं, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसकी लिमिट नहीं है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, इतना ज्यादा हाथ खराब है रोड के बहुत ज्यादा। लेकिन हम बात करें यहाँ पर अपने चुनाव की, तो चुनाव में दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो क्या शहर का रुझान तो बने निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ शहर से शहर से गाँव से जो है शहर से करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, आप लोकसभा चुनाव और ऐसा ही विधानसभा चुनाव। तो अब की बार पलड़ा किसका भारी लगता है? ये तो अभी चालू हुआ है, समय बताएगा। बिल्कुल सर, पर चुनाव है देखो, तीन बार से नसीम अहमद जी रह गए, बीजेपी सीट मिलने की वजह से किसी बार रह गए, अभी तो वही पब्लिक जानते हैं। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।